अब मैं रीचा पांडे मिश्रा जी को भी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी श्याम जी विजय गोयल जी विजय गुप्ता जी सतीश उपाध्याय जी उनसे आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की स्लिप लेकर उनको औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी निभाई। अब मैं कपिल मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर अपने विचार आदरणीय श्री श्याम जाजू जी, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय श्री विजय गोयल जी, आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय श्री सतीश उपाध्याय जी, श्री कुलजीत चहल जी, श्री विजय जोली जी, श्री हरीश खुराना जी, अश्विनी उपाध्याय जी, अनिल वाजपेयी जी, ऋचा पांडे मिश्रा जी, अशोक गोयल जी, प्रत्युष कंज जी और माता जी मेरी जो आज इस अवसर की विटनेस है, जो शायद बहुत लंबे समय से ये दिन देखना चाहती थी। बहुत ही भावुक और इमोशनल पल है ये मेरे लिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सभी लोगों का जिन्होंने अपने परिवार में मुझे आने दिया, मुझे जगह दिया। मैं सच में हृदय से बहुत आभारी हूं। लगभग दो साल से एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ना, उस सरकार में रहते हुए लड़ना, सामने से होते हुए भ्रष्टाचार को देखकर बोलना, जब हम लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन किया था, अन्ना जी के साथ चले थे, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे, तब क्या उसूल थे, क्या सिद्धांत थे और आज कहां खड़े हैं। मुझे याद है अच्छे से वो दिन जब चिदंबरम जी के गेट पे हमें लाठियां पड़ी थी पुलिस की, और जब हम आज देखते हैं कि वही चिदंबरम जी वकील बने हुए हैं दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री के, तो ऐसा लगता है कि जैसे पीठ पे पूरी दिल्ली की पीठ पे छुरा घोंप दिया गया हो। कपिल सिब्बल के दरवाजे पे हम लोगों ने लाठियां खाई, हम लोगों ने, मुझे बल्कि तारीख भी याद है, 31 जनवरी 2014, हमने एक लिस्ट निकाली थी भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट। उस लिस्ट में एक नाम होता था सबसे ऊपर, शरद पवार जी का नाम, और हम देख रहे हैं वो शरद पवार जी बीच में बैठे हैं मीडिएटर बनके, और राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक इस प्रकार का पूरा यू टर्न, एक इस प्रकार का बदलाव, एक इस प्रकार का धोखा, और केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नहीं, डीटीसी के कर्मचारियों से आप जाकर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी दिल्ली के, ऑटो चलाने वाले दिल्ली के, दिल्ली की महिलाएं जिनके नाम पे करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगा दिए, लेकिन उनको क्या मिला। किस प्रकार के आंदोलन को किस प्रकार से हत्या की जाए उसको देख के उससे लड़ना, और वो भी लड़ना ऐसे लोगों से जो झूठ बोलने से भी ना चूके, जो छल कपट प्रपंच करने से भी ना चूके। दो साल तक वो लड़ाई, कई बार ऐसा लगा जैसे कि जैसे इससे आगे का कोई रास्ता ही नहीं है। मेरा परिवार ने भी ऐसे ऐसे दिन देखे जब व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे। आज जब मैं यहां बैठा हूं इस मंच पर, तो ऐसा लगता है जैसे कि समंदर में कोई व्यक्ति अकेला हाथ पैर मार रहा था, उसे किनारा मिल गया और मजबूत किनारा मिला है, और समंदर के जो डाकू है उनका जहाज डुबोने की तैयारी करके बैठा हुआ मजबूत सेना का किनारा मिला है। केजरीवाल जी तो किसी डाकू या छलावे से आप कम मत समझिएगा, लेकिन मेरे को आज एक बात कहना चाहता हूं, जब मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि विधायक की खतरे में है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना किसी भी विधायक बनने से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। मुझे गर्व है जब उन्होंने मेरे पे ये आरोप लगाया कि आपने लोकसभा में मोदी जी के लिए अभियान चलाया,
सातों सीटें मोदी को, तो मैंने केवल इतना ही कहा विधानसभा अध्यक्ष से कि 100 बार भी कुर्सी जाती है विधायक की तो जाए, अभियान दिल्ली की जरूरत है। जिस तरफ देश जा रहा है वही दिल्ली को जाना होगा। कल जब उन्होंने बोला कि 70 सीटें दोबारा आएंगी, तो मेरे को लगता है पूरी दिल्ली को बस यही लगा कि कोई गुप्ता टेंट हाउस से उनकी 70 सीटें आ सकती है विधानसभा में। विधानसभा में उनकी इस बार 0 सीटें आने वाली है, और वो सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकर्ता के नाते जो कुछ करना होगा वो सब कुछ करेंगे। मेरी माता जी ने मुझे कई बार समझाया था, बार बार ये बात बोली थी, लेकिन बच्चों को माता पिता की बात झटका खाने के बाद ही समझ में आती है। एक शेर है, घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा खुदा करके। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि भाजपा में क्यों शामिल हो रहा हूं। भाजपा में शामिल हो रहा हूं जिससे भारत माता की जय खुल के बोल सकूं। भाजपा में शामिल हो रहा हूं जिससे कश्मीर हमारा है ये कहने से पहले किसी पार्टी आलाकमान का मुंह ना देखना पड़े। भाजपा में शामिल हो रहा हूं जिससे कि कभी किसी टुकड़े टुकड़े कन्हैया कुमार जैसे उमर खालिद जैसे के समर्थन में ना खड़ा होना पड़े। भाजपा में इसलिए शामिल हो रहा हूं कि एक ऐसे नेतृत्व के पीछे खड़े होने का गर्व हो जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। भाजपा में इसलिए शामिल हो रहा हूं कि जिस पॉजिटिव दिशा में पूरा देश चल रहा है उस पॉजिटिव दिशा में अब दिल्ली को चलने की जरूरत है। भाजपा में इसलिए शामिल हो रहा हूं क्योंकि हम दिल्ली से नेगेटिविटी, ब्लेम गेम, आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, रोना धोना खत्म करके अब दिल्ली को विकास के रास्ते में चलाने की जरूरत है, और वो केवल और केवल मोदी जी के मार्गदर्शन में केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तुम्हें बहुत बहुत आभार हर एक व्यक्ति का। मेरे सभी जो टीम आज यहाँ पे आई है, इन्होंने बहुत कष्ट सहा है पिछले 2-2.5 साल में, अकेले लड़े हैं, जमीन पे लड़े हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। ये पूरा एक परिवार भैया आपके शामिल होने का। जैसे समंदर में एक बूंद मिलती है, ऐसे हम सब लोग इस भाजपा रूपी समंदर में आज शामिल हो रहे हैं। गर्व के साथ भारत माता को नमन करते हुए हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, हर एक पदाधिकारी को प्रणाम करते हुए, और दोबारा पुनः धन्यवाद करते हुए कि आपने अपने इस परिवार का हिस्सा बनाने लायक समझा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।